कमेटी ने बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और बलूचिस्तान की आलिया तारीख की सबसे बड़ी सियासी तहरीक चलाई, जिसमें बलूचिस्तान के शहर दुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक एक तवील लॉन्ग मार्च किया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वहां एक तवील धरना दिया गया और इस्लामाबाद से वापस आने के बाद क्वेटा में एक तारीखी जलसायाम भी किया गया, जबकि बलूच यकजहती कमेटी बलूच आवाम की मुकम्मल मदद और हिमायत के साथ शुरू दिन से बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों और बलोच कौमी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है। बलोच यकजहती कमेटी अपने जद्दोजहद के शुरू दिन से आज तक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही है और हमारे लॉन्ग मार्च, धरना और जलसे जैसे इंतहाई बड़े इवेंट में भी हमारी तंजीम एक लम्हे के लिए भी पुरतशद्दुद नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद हमारे कारकुनान, हमदर्दों और तहरीक के साथियों को मुसलसल धमकियों, अराजगी, गिरफ्तारी, झूठे मुकदमात और तशद्दुद का सामना है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसुत से दो बात बिल्कुल वाज़ह करना चाहते हैं। एक, हम रियासत के तमाम पुरतशद्दुद अमल, गिरफ्तारी, जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमात, धमकी और अराजगी के बावजूद एक लम्हे के लिए भी अपने जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ और बलोच कौमी हकूक के दफा के लिए जदोजहद करेंगे। जबकि दूसरी बात, रियासत इस पूरे दौरानिया में हमें मुसलसल तंग करके पुरतशद्दुद होने के लिए उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम एक जिम्मेदार और मुनज़्ज़म सियासी तंजीम हैं। हम अपने तंजीमी और तहरीकी मकासद, उसूल और तरीक़ाकार के तहत शऊरी तौर पर जदोजहद कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत रद्दअमल की बुनियाद पर सियासत और जदोजहद नहीं कर रहे हैं और ना ही आगे रद्दअमल की बुनियाद पर सियासत करेंगे। इसलिए रियासत हमें उकसाने की अपनी नाकाम कोशिशें को तर्क कर दें। जबकि इसके अलावा हम ये अमल भी यहाँ वाजिया कर दें कि हम अपनी तंजीम के खिलाफ होने वाले आलिया रियासती अमल, पुरतशद्दुद अमल और आईन और कानून की पामालियों पर बैनुल अक्वामी तमाम इंसानी हकूक के अदारों और साफी बरदरी को आगाह कर चुके हैं। अगर हमारे कारकुन, हमदर्दों और तहरीकी साथियों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा, इसकी तमाम दर जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। लिहाजा रियासत एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देकर अपने आईन और कानून को खुद एहतराम करें, जमहूरी और सियासी जदोजहद को तस्लीम करें और बलूचिस्तान में हर किस्म के होने वाले इंसानी हकूक की पामालियों को फौरी तौर पर ख़त्म करें। काबिल एहतराम साथी हजरात, बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी कोर कमेटी के इजलास गुज़श्ता रोज़ कराची में मुनक़िद किया गया था। इजलास में बलूचिस्तान के सियासी सूरतेहाल, रियासत की बलोच नस्ल कुशी पॉलिसी, बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ होने वाले लॉन्ग मार्च के बाद बादस बलूचिस्तान की सूरतेहाल, सियासी तंजीमों की ज़रूरत और अहमियत और बलोच यकजहती कमेटी की तंजीमी ढांचे की मुकम्मल जायजा लेने के बाद बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी तश्कील दी गई है, जिसमें मरकजी ऑर्गेनाइजर मैं मारंग बलोच और मरकजी डिप्टी ऑर्गेनाइजर लाला वहाब बलोच मुंतखब किए गए हैं। इजलास में मरकजी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी तश्कील देने के साथ तंजीम की अबूरी दस्तूर और मंशूर की भी मंजूरी ली गई है और इसके साथ मरकजी वर्किंग बॉडी भी तश्कील दी गई है। तंजीम की मरकजी वर्किंग कमेटी मुख्तलिफ शोबाजात पर मुश्तमिल होगी, जो बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक को मुनज़्ज़म करने, बलोच अवाम की मोबिलाइजेशन, बलोच समाज की मुख्तलिफ सियासी और समाजी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने और तंजीम साजी के हवाले से काम करेगी। बलोच यकजहती कमेटी अपने तंजीमी स्ट्रक्चर की तश्कील के बाद अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज रखेगी कि बलोच कौम को सियासी और शऊरी हवाले से मोबिलाइज करके इनको बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनाया जाए और इसके साथ बलोच समाज के तमाम सियासी और समाजी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तेहाद और ज़हनी हमांगी पैदा करके बलोच कौमी ताकत को मुंतशिर होने से रोका जाए।
अमन, हम समझते हैं कि आज जिस तरह की आलात का बलूच कौम को सामना है, इसका मुकाबला एक मुनज़्ज़म सियासी तंजीम की तश्कील और कौमी इत्तेहाद और यकजहती की बुनियाद पर किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि बलूच कौम के तमाम सियासी और सामाजिक कुव्वतें बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ एक नुक्ते पर अपने दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने में कामयाब होंगे और हम इस कौमी कुव्वत से बलूच कौम को इस मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब होंगे। जबकि इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इस खत्ते के तमाम मजलूम अवाम की जद्दोजहद के दरमियान रवाबित पैदा करके रियासी जब जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद के लिए राह हमवार किए जाएं। मौजूद साथी हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक जारी है और इसी सिलसिले में जुलाई में बलोच राजी मुच्ची यानी बलोच कौमी इज्तिमा का ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम बलोच इलाकों से अवामी मार्च करके एक मरकजी मकाम पर जमा होंगे। वहाँ बलोच कौम का इज्तिमा होगा, जिसकी तारीख और मरकजी मकाम का ऐलान आने वाले दिनों में मीडिया के जरिए किया जाएगा। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान हमदर्दों और बलोच कौम को आगाह करते हैं कि बलोच राजी मुच्ची की तैयारियों के लिए तंजीम के मरकज की जानिब से एक खाका तैयार किया गया है, जो बहुत जल्द तमाम तंजीमी कारकुनान को इसका अरसाल किया जाएगा। और इसके अलावा राजी मुच्ची के हवाले से एक किताबचा भी तैयार किया गया है, जिसको बहुत जल्द शाया किया जाएगा। इसके अलावा हम बलोच कौम से अपील करते हैं कि आप बलोच राजी मुच्ची के लिए जिस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, अपने बिसात के मुताबिक जरूर वो किरदार अदा करें और इस तहरीक में शामिल होकर बलोच नस्ल कुशी को रोकने और बलोच कौमी हकूक की दफा में अपना किरदार अदा करें। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से बलोच कौम और तंजीम के हमदर्दों को आगाह करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी ने बाकायदा मेंबरशिप का आगाज कर दिया है। आप बलोच यकजहती कमेटी का हिस्सा होने के लिए अपने इलाके में मौजूद बलोच यकजहती कमेटी के नुमाइंदगान से राब्ता करें। और इसके अलावा हम बलोच कौम के तबका आए फिक्र के लोगों से अपील करते हैं कि वो बलोच यकजहती कमेटी की बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक में हर तरह की मदद करके अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करें। शुक्रिया। हर एक FIR में 200 से ज़ायद अफराद को FIR किया गया है और मुझ समेत तकरीबन बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और हमदर्दों की 800 की फहरिस्त है जिन पर FIR किया गया है। ज़्यादातर FIR बलूचिस्तान सूबे में हुए हैं और कुछ FIR सिंध में भी हुए हैं, जिसमें कराची हो और साथ साथ खैरपुर, इस तरह की जगहों पर भी मुख्तलिफ जगहों पर FIR हुए हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हम समझते हैं हमारी एक जो पुरअमन तहरीक है उसके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज है और कुछ ऐसे FIR किए गए हैं जो सामने भी नहीं आए हैं कि किन लोगों पर FIR किए गए हैं। इन मुतहद FIR में हमारे साथियों को तकरीबन गुज़श्ता 5 महीने से वो हर दिन पेशियों का में जा रहे हैं, वहाँ उनकी हैरेसमेंट हो रही है, प्रोफाइलिंग हो रही है और हमें खतरा लायक है कि इस FIR के मद में हमारे सियासी कारकुनान को टारगेट किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारियां भी लाई जा सकती है और उनको जबरी गुमशुदगी का भी निशाना बनाया जा सकता है। पार्लियामानी सियासत के ऊपर हमारी तंजीम का एक मौकिफ ये है कि हम चाहते हैं, हम भी जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पाकिस्तान की और खासकर बलूचिस्तान की, वहाँ कोई शफाफ पार्लियामेंट हम नहीं देख रहे हैं जहाँ पे फेयर इलेक्शन हो। हम यही चाहते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट को एक सिविल डेमोक्रेसी को कायम होना चाहिए और हमारी जद्दोजहद उस चीज़ के लिए भी है और इसका फैसला हम आने वाले वक्तों में करेंगे जब पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर उन कुव्वतों की जो चपलिश है उससे यरगमाल है जो है वो उस यरगमाली से निकलेगी, तो उसके बाद जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सब आगे होकर उस पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट हमारे लिए वो जगह है जो आवाज़ें दबाती है और हमारी सबसे बड़ी जगह जो है ना आवामी मजम्मत है। हम सड़कों में अपने लोगों के दरमियान उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, हम इससे पहले भी इन तमाम जितने भी मिसिंग पर्सन की बाजियाबी की तहरीकें उनसे रबते में हैं और हम मुश्तरका तौर पर
जहाँ जहाँ इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं उनके लिए हमने मौसर आवाज़ बुलंद की है, और आगे भी हमारी तंजीम का सबसे पहला वो यही रहेगा कि हम रवाबित को और मजबूत कर सकें और एक मुश्तरक तंजीम के तौर पर इन तमाम इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बन सकें। देखें, जबरी नुमशुदगी का एक सबसे ख़तरनाक पहलू ये भी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो बलूची यूथ है, जिनको पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में भी हरासगी का सामना है, प्रोफाइलिंग का सामना है, और उनको जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी तंजीम इस पर एक मौसर मौके रखती है, जितने स्टूडेंट यूनियंस हैं हम उनके साथ रवाबित में हैं, जहाँ जहाँ हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ उनके लिए बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेंगे, और इसके लिए सख्त से सख्त तरीन इकदाम उठाने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ जहाँ लीगल प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत है, लीगली हम वो केसेस भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम हवामी तौर पर एक मजबूत और मुनज़्ज़म तहरीक का भी शुरुआत करने जा रहे हैं।